हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। आशा है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम पेंसिल कलर्स से पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे। सो ओपन योर आर्ट बुक आकृति एट पेज नंबर 64-65। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लाइट ब्राउन कलर लेंगे और आईब्रोज के ऊपर कलर करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपको कलर करना है। हमने ऑलरेडी पिक्चर को ड्रॉ किया हुआ है। अब आईबॉल्स के अंदर लाइट ब्राउन कलर करेंगे। अब डार्क ब्राउन कलर लेंगे और इसे शेडिंग देंगे। देखिए इसके आईज के प्यूपिल्स को हमने डार्क किया है। आईब्रोज को भी हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। अब मरून कलर लेंगे और इसकी आईज के आसपास स्किन टोन बनाएंगे। ऑरेंज कलर लेकर आईज के ऊपरी भाग में कलर अप्लाई करेंगे। क्रोम येलो कलर लेंगे और डार्क पिंक कलर लेकर इसके नोज की आउटलाइन को शेडिंग देंगे। फिर डार्क ब्राउन कलर से इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे। शेडिंग जो है राइट साइड की तरफ करनी है क्योंकि लेफ्ट तरफ से लाइट आ रही है। अब ब्लैक कलर से इसके नॉस्ट्रिल्स को डार्क करेंगे। फिर ब्राउन कलर लेकर इसके फेस के ऊपर हम लाइट टोन देंगे। देखिए नोज के नीचे के भाग को हमने डार्क किया है। अब हम इसके फोरहेड की तरफ बिल्कुल लाइट शेडिंग देंगे और डार्क ब्राउन कलर लेकर जो इसका डार्क एरिया है उसे हम डार्क करेंगे। अब मरून कलर से जो फेस का लाइट पार्ट है उस पर बिल्कुल स्लाइटली आपने पेंसिल चलानी है। और बिल्कुल लाइट कलर करना है।
ये देखिए हमने उसके लिप्स के ऊपर भी, अपर लिप्स के ऊपर डार्क कलर किया है और बिल्कुल नीचे के भाग में मरून और डार्क ब्राउन कलर की शेडिंग की है। देखिए हमने पेंसिल कितनी पीछे से पकड़ी है क्योंकि बिना प्रेशर के हमने उसके ऊपर कलर अप्लाई करना है। ये देखिए मरून कलर से हमने इसके राइट एरिया को और भी थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अब ब्लैक कलर लेकर इसकी चिन के नीचे की तरफ डार्क टोन देंगे। अब डार्क ब्राउन कलर लेकर इसके हेयर के ऊपर लाइट टोन देंगे। फिर डार्क ब्राउन कलर से उसकी डिटेलिंग करेंगे। ब्लैक कलर लेकर इसकी आईज की डिटेलिंग करेंगे और इसके बालों को नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक लगाकर डिटेलिंग देंगे। जिस पार्ट के ऊपर लाइट इफेक्ट ज़्यादा है उसे हम बिल्कुल लाइट रखेंगे। अब सर्लिन ब्लू लेकर इसके दुपट्टे के ऊपर कलर अप्लाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से कलर अप्लाई करने पर इसके दुपट्टे की सिलवटें हमें नज़र आ रही हैं। अब येलो कलर और लाइट ग्रीन कलर लेकर इसकी बैकग्राउंड को हम बनाएंगे। अब डार्क ब्लू कलर लेकर हम इसके दुपट्टे के ऊपर डिटेलिंग करेंगे। ये देखिए हमने इतनी आसानी से पोर्ट्रेट तैयार कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे मुझे कमेंट कर बताइए, मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।